हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसन और गेहूं के आटे का लड्डू बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैंने घी लिया है, 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। आप चाहे तो शुगर का बूरा भी ले सकते हैं, जिसे हम तगर के नाम से जानते हैं। और ये मैंने लिया है बादाम और काजू, ड्राई फ्रूट डालने के लिए। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम पहले बेसन को भून लेंगे आधा घी डाल के, और फिर आधा घी डाल के हम गेहूं आटे को भून लेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक बाउल चढ़ा लेंगे, मोटा तला वाला। तो ये मैंने एक बर्तन चढ़ा लिया है, इसमें हम आधा घी डालेंगे। और सबसे पहले हम बेसन को भून लेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें हम बेसन डाल देंगे। इसे धीमी आँच पर हम सेकेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होते तक हल्का सा इस तरीके से चलाते हुए। अच्छे से खुशबू आने लगेगी तब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे हल्का हल्का इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से आप भून लेंगे। मैंने आधा घी डाला है इसमें, आधा घी से हम गेहूं आटे को भूनेंगे। इसे 5 मिनट लगेंगे हमें अच्छे से भूनने में। धीरे धीरे चलाते हुए आप भून लें। बेसन को हमने बहुत ही धीमी आँच में 5 मिनट तक भून लिया है, और ये तैयार हो चुकी है। इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो इसे आप एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में हम अपना गेहूं आटा भी भून लेंगे। तो आधी घी जो हमने बचाई थी, उसमें हम फिर से उसे बाउल में डाल के गर्म कर लेंगे, और इसमें हम गेहूं आटा डाल के इसे भी अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे मिला के। इसे भी हम धीमी आंच पे धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से, इसे भी हमें भूनना है। तो इसे भी हम धीरे धीरे भून लेंगे खुशबू आने तक। गेहूं आटे को भी हमने 5-7 मिनट भून लिया है, और ये अच्छे से भून चुका है। इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। गेहूं आटे और बेसन के मिक्सचर को मैंने इस तरीके से थाली में निकाल लिया है, और अब जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट को बारीक काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट को इस तरीके से बारीक काट लिया है हमने, अब इसे हम इसमें मिला देंगे। साथ ही साथ जो हमने चीनी ली है वो भी हम डाल देंगे। चीनी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से, हल्का भी गर्म है, या आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे, सभी चीज़ों को चम्मच से ही मिलाएं, अभी बहुत गर्म है। तो इसे धीरे धीरे करके हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसे हम हाथ से लड्डू बनाएंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसे थोड़ा थोड़ा लेके हम इसे लड्डू बना लेंगे। जिस साइज़ का आप बनाना चाहें, तो मैं इसे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है हमारा लड्डू, इस तरीके से बना बना के इसे हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा लेंगे और हल्का सा दबाते हुए, इस तरीके से सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। बेसन और गेहूं आटे के लड्डू बन के तैयार हैं। 2 कटोरी आटे में हम 10 से 12 हम लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।